हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल टोटके मंत्रा में। और आज एक खास मुकाबले की बात करने जा रहे हैं हम, CSK वर्सेस SRH। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला, जो बहुत ही कड़ा दोस्तों मुकाबला होने जा रहा है। आज हम इस मैच की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं दोस्तों, आपको भविष्यवाणी बताएंगे कि कौन ये मुकाबला जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि कौन सी वो खिलाड़ी होंगे जो दोस्तों बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, और चेन्नई सुपर किंग के कौन से खिलाड़ी आज अच्छा प्रदर्शन कर मैच को जिता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ड्रीम इलेवन का हिस्सा हैं, अगर दोस्तों आप कोई फैंटास्टिक लीग खेलते हैं, या फिर दोस्तों माई इलेवन सर्कल में आप कंपटीशन कर रहे हैं दोस्तों, अपनी प्लेइंग इलेवन चुनना चाहते हैं, वो 11 खिलाड़ी चुनना चाहते हैं जो बढ़िया प्रदर्शन करके आपको देंगे, तो दोस्तों आज आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। हम आपको दोस्तों ऐसी भविष्यवाणी बता रहे हैं जिसके प्रेडिक्शन की मदद से दोस्तों आप भी उन 11 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सनराइजर हैदराबाद के स्क्वाड की, तो दोस्तों उसमें तो कोई शक नहीं है कि ओपनिंग जोड़ी बड़ी धमाकेदार है, क्योंकि दोस्तों उसमें है डेविड वॉर्नर और साथ में जॉनी बेस्टो। जी दोनों ही बल्लेबाज, एक धाकड़ बल्लेबाज है, और दोनों का चलना भी दोस्तों लगभग तय रहता है। ऐसे में दोस्तों उनके बाद आते हैं मनीष पांडे, जो अच्छा खेल दिखा रहे हैं, और साथ में एक और जुड़ चुके हैं केन विलियमसन। दोस्तों लास्ट मैच में मुकाबला जो हुआ था, क्या धाकड़ बल्लेबाजी उन्होंने की थी, और आज एक बार फिर से वो अच्छा परफॉर्मेंस दे, इसलिए आप दोस्तों प्लेइंग इलेवन में लेना मत भूलिएगा। अगर मैं दूसरी साइड पर बात करूँ, तो महेंद्र सिंह धोनी की इकलौती टीम, जो दोस्तों बढ़िया ही चैंपियन टीम है, जो फाइनल तक रास्ते निकाल ही लेती है कहीं ना कहीं से, उसमें धाकड़ है अबांती रायडू, ये खेलते हैं तो फिर आपको अलग गेम देखने को ही मिलेगा। साथ में उनके हैं फाफ डुप्लेसी, फाफ डुप्लेसी भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सेन वॉटसन को आप ले सकते हैं दोस्तों, एक अच्छी टीम बैकफुट पर दोस्तों कभी भी नहीं आती है। अगर दोस्तों मैं आगे की बात करूं, तो महेंद्र सिंह धोनी है इस टीम में, केदार जाधव हैं, जाधव को ज़्यादा आप दोस्तों मोटिव नहीं देगा, साथ में महेंद्र सिंह धोनी को आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि कीपर के तौर पर अच्छे बल्लेबाज भी हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ सैम करन की, जी हाँ दोस्तों करन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और बॉलिंग भी बढ़िया है उनकी, रविंद्र जडेजा है इनके साथ में, और दोस्तों अगर आज ये खेलते हैं तो बढ़िया प्रदर्शन आपको करने की उम्मीद रहती है। तो दोस्तों अगर मैं सनराइजर हैदराबाद की बॉलिंग के अटैक की बात करूँ, तो भुवनेश्वर कुमार हैं जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और साथ में हैं उनके राशिद खान, पिछला मुकाबला जो जबरदस्त हुआ था दिल्ली के साथ, तो इसके साथ में दोस्तों कॉन्फिडेंस तो आया होगा दोनों टीमों के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए, तो अच्छी बॉलिंग भी होगी, बढ़िया बैटिंग भी होगी, तो ऐसे में दोस्तों आंकलन यही लगाया जा सकता कि कौन आसानी से जीतेगा। दोस्तों हम इस तरह की प्रेडिक्शन आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, साथ में बताना चाहेंगे अगर आप खिलाड़ी पर खिलाड़ी की प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, कौन खेलेगा बढ़िया कौन नहीं खेलेगा, इसके लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर ज्योतिषाचार्य के अनुसार जान सकते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और दोस्तों सभी की सभी प्रेडिक्शन आपको फ्री में बताई जा रही है। उम्मीद है दोस्तों हमारी इस वीडियो से आपको फायदा होने वाला है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ पीयूष चावला की, तो एक अच्छी बॉलिंग अटैक में शामिल होते हैं, तो पीयूष चावला अच्छी गेंदबाजी कर भी रहे हैं, तो दोस्तों स्पिनर भी लाइन में बढ़िया गेंदबाजी रविंद्र जडेजा पीयूष चावला की तरफ से होगी, और दीपक चहर भी बॉलिंग कर सकते हैं बढ़िया। तो देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी की क्या रणनीति होगी अब इस बार। और दोस्तों अगर हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से बात करें, तो दोस्तों हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग आज का मुकाबला जीत जाए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग में महेंद्र सिंह धोनी जैसे चालाक कप्तान हैं, और दोस्तों उनकी चापलूसी से ही तो गेम बनती है। तो उम्मीद है आज का विस्फोटक मुकाबला होने जा रहा है कल ये। तो दोस्तों IPL 2020 मैच प्रेडिक्शन हमने आपको बताई, तो दोस्तों इस तरह की प्रेडिक्शन आगे भी जाते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।